जम्मू लद्दाख विजन देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दलीप जी है, जो कि अहम मुद्दों पर अक्सर बात करते रहते हैं। और यही वजह है कि अक्सर आपको हमारे चैनल पर यही यहाँ से पार्टनर से कोई न कोई मुद्दे पर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। आज एक बार पुनः मीडिया के सामने आए हैं और बात करेंगे किस मुद्दे को लेकर आज ये चर्चा करने जा रहे हैं। तो दलीप जी, सबसे पहले स्वागत है, और क्या कहना चाहेंगे, कौन सा विषय लेकर आज आप फिर से मीडिया के सामने आए? अजय जी, मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बहुत ही अपने हिसाब से जो है अपने मन से ही ये मान चुका हूँ कि आप सोशल वर्कर हो, और आप हर टाइम आपने जब जब हमने पार्टी का कोई किसी भी मुद्दा कोई भी मुद्दा पर बात की है तो आपने उसको उजागर किया है। तो आज का विषय हमारा रहेगा, सभी लोग जानते हैं कि पलाली पंचायत गाँव हाको में बहुत दुर्घटना घटी, जिसका मैं दुख का इजहार करता हूं। मैं मुझे बहुत दुख है, इतना बड़ा हादसा हुआ। तो मैं अभी कहूंगा कि वहां से जब जैसे ही मुझे फोन कॉल आए, जहां दुर्घटना घटी थी मैं उस हादसे के वारदात पे नहीं पहुंच पाया, लेकिन मुझे रात को यहां पे जब जैसे ही फोन कॉल आए पता लगता है उसी टाइम में अकेली निकल गया। तो मैं सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ, चाहे वो जम्मू में मिले, चाहे वो किश्तवाड़ में मिले, चाहे वो अठौली में मिले। मैं पार्टी वासियों का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन लोगों ने, अगर इतना बड़ा साथ उन लोगों का नहीं दिया होता तो कम से कम बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती थी। अब हम आपको एक बार यहाँ जो कुछ मीडिज में पत्रकार लोग जो हैं, मुझे अफसोस से भी ये कहना पड़ रहा है कि क्यों उसको कवर नहीं कर पाए। इतनी बड़ी दुर्घटना घटी, इतना बड़े हादसा के शिकार जो हुए लोग हुए, तो वो लोग उस पर कवर नहीं कर पाए। तो मैं तो चलो उनकी अपनी सोच है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मीडिया के काम कर रहे हैं कम से कम निष्पक्ष करो, बाकी उनकी सोच को क्या करते हैं। और मैं एक बार दुख का इजहार करूं कि यहाँ लोकल लीडरशिप जो है हाथ पे हाथ धरी रही और मुंह पे उनका ताला लगा। मुझे अफसोस है कि किसी भी यहाँ पार्टी के प्रवक्ता ने उनका दुख का भी इजहार नहीं किया। अच्छा, उसके बाद जब हॉस्पिटल में हमने देखा सब डिवीजन का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन सब डिवीजन का बोर्ड लगने के बावजूद जो सब डिवीजन हॉस्पिटल में जो सुविधा होनी चाहिए वो अठौली डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है, वो सभी लोग जानते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग यहाँ से राजभवन गवर्नर साहब में जब मिलते हैं तो वहाँ हमें भी आज तक ये हमारे ना किसी अखबार में आया ना किसी मीडिया में आया कि हमने क्या कहा। मुझे लगता है इन्होंने पार्टी की बात करना छोड़ दी है। ये खाली मीडिया पे और फोटो वीडियोस डालने पे यहीं तक इनकी लीडरशिप ही है। उसके बाद मैं बड़ा लीडरों की बात करूं, हाँ वहाँ पे आज़ाद भी आया, वहाँ पे सजाद साहब भी आए, वहाँ पे सुनील जी भी आए, लेकिन ऐसे वारदातों पे आप हॉस्पिटलों पे सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए पहुंचते हो, उससे ज्यादा जमीन सत्ता में आपने पार्टनर की बात करनी चाहिए थी। बिल्डिंगों से विकास नहीं होता है, बिल्डिंगों से कॉलेज नहीं चलते हैं, बिल्डिंगों से हॉस्पिटल नहीं चलते हैं। आप स्टॉप्स की बात करें, टेस्टों की बात करें, वहां जो सुविधा है वहां उसकी बात करें। जब हादसा हो जाता है उसके बाद कुछ लीडर्स जो है वहां पे सिर्फ मीडिया पे फोटो खींचने और वीडियो डालने के लिए वहां पहुंचते हैं, तो ये चीजें गलत है। तो रहा मसला, ये एक बार फिर से मैं उन लोगों का यहाँ पे जिक्र करूंगा कि स्थानीय जो लीडरशिप ही है पार्टी के, जो अपना आपको लीडर मानते हैं और यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं, मैं उनसे ये पूछूंगा कि आपने आज तक अपनी जुबान पे ना तो हॉस्पिटल की बात की कि वहाँ पे हमें स्टॉप की जरूरत है, हमें टेस्टों की जरूरत है, नहीं की। तो और भी चीजें जो है यहाँ पे उन्होंने आज तक कोई बात नहीं की। तो अपने आप को बड़े बड़े डींगे मारते हैं और बड़ा लीडर समझते हैं, तो ऐसा नहीं। आप खाली वीडियो और फोटो तक ही आपकी लीडरशिप ही है और उसी हिसाब से आप रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि समाज क्या चाहता है, समाज की बात करनी चाहिए और विकास की बात करनी चाहिए। जो समाज की बात करता, विकास की बात करता है वही लीडर होता है, जनता की, जनता का प्रिय वही होता है। लेकिन खाली आप सेंटर की प्रधानमंत्री जी की स्कीमों पे यहाँ पे उछलोगे तो कब तक,
ये हर कोई आदमी जानेगा, हर कोई पढ़ा लिखा जानेगा। मैं और तो छोड़ो, अभी तक बड़ा लीडरों के जुबानों में ये नाम नहीं आया, ये भी ऐलान नहीं आया कि पीड़ित परिवार जो है वो दुर्घटना घटी उनके लिए क्या मोजे की बात करें या उस रोड की बात करें। अफसोस मुझे ये होता है कि उस दुर्घटना घटने के बावजूद उस रोड को मतलब ठीक करने चाहिए था या उसको खड़ा देकर बंद करना चाहिए था। मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछ रहा हूं, कम से कम इसका डुप्लीकेशन जो है, कई बार डीसी साहब के पास भी गया कि आधा से एमजी नरेगे में वहां लोगों ने काम किया, अपने जेब का पैसा भी फूका, अपने मजदूरी का कहीं अपने लिए जो पैसा रखा था वो भी उस रोड पे लगा दिया। तो मैं कह रहा हूं 70% अगर उन लोगों ने काम किया है, 30% सरकार का भी काम बनता है। लेकिन फिलहाल अभी जो बर्फबारी का मौसम है इस हिसाब से बंद किया तो ठीक है, लेकिन कम से कम उस रोड को ठीक करने की जरूरत है, ना कि उसको बंद करने की जरूरत है। दलीप जी, यहाँ से हम आपको वापस मुड़ के आते हैं और बात करेंगे। जैसे आपने बोला कि घटना हुई और ऐसी घटना जो है पीछे भी एक दो बार हो चुकी है और भविष्य में भी ऐसे संभावनाएं रहती है, तो किस तरह से देखते हैं आप? पार्डर में हॉस्पिटल है, ठीक है, हम मानते हैं, हम इस चीज को मानते हैं, कोई शक नहीं है कि यहाँ पर सब डिविजन हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग बनी, लेकिन क्या वजह रही होगी कि यहाँ का लोकल लीडरशिप जो वहाँ के स्टाफ पर जो है कभी बात नहीं करेगा, वहाँ पर सुविधा के लिए कभी बात नहीं करेगा, वहाँ को उस हॉस्पिटल में जो सुविधा मिलनी चाहिए जनता को, क्योंकि जनता को बिल्डिंग नहीं चाहिए, जनता को उसके अंदर जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उससे बेनिफिट मिलने वाला है, तो क्या वजह रही होगी? और क्या आपको लगता है कि हमारा लोकल लीडरशिप जो है इस चीज में फेल हो चुका है? मैं तो कह रहा हूँ कि 50,000 आबादी है, जो जीएमसी अभी जम्मू में है वो किश्तवाड़ में होना चाहिए आज के डेट में, और जो किश्तवाड़ की सब डिवीजन हॉस्पिटल में जो चीजें हैं वो पार्टी में होनी चाहिए। लेकिन मैं हैरान ये हूँ कि आपने ठीक सवाल किया कि लोकल लीडरशिप ने चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी आता है उस पर मांगने की। मैं आपको आपको ये पहले भी कहा मैंने कि कुछ लोगों ने राजभवन में गवर्नर साहब से मिले और उसमें भी इसका जिक्र नहीं किया, तो ये किसको देख के राजनीति कर रहे हैं, क्या राजनीति कर रहे हैं, ये एक सोचने की बात है कि आप पार्टनर की बात कब करोगे, पार्टनर की बात कब करोगे? खाली बिल्डिंगों से ही आपको संतुष्ट रहना है या पार्टनर की विकास की भी बात करनी है? वो उनको करनी चाहिए, लेकिन आप जनता देख रही है, कहीं ना कहीं आप अगर पार्टनर के मतलब बारे में चुपकी साधे हो तो लोग इसका जवाब देंगे, आपको जनता जवाब देगी ना। ये जनता को सोचना भी चाहिए कि आज हमारी बात कौन कर रहा है और हमारे लीडर्स जो बड़े लीडर हैं यहाँ पे, उनको ये चीज देखनी चाहिए कि हमें हॉस्पिटल पे बात करनी है, हमें उसके स्टाफ पे बात करनी है, हमें पहले ही तैयारी करके रखनी, क्योंकि दुर्घटना जब घटती है वो आंधी और तूफान जो है वो पूछ के नहीं आता, उसका अपना टाइम होता है, वो कब आता है उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, लिहाजा उसके लिए हमें आगे के लिए तैयार रहना है। जी, आखिर में क्या संदेश देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, खास तौर पर जो है स्वास्थ्य सुविधा को लेकर? एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा यही संदेश रहेगा, आग्रह भी रहेगी कि इस फार फ्लंग एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में जितनी सुविधा हो, जितने टेस्ट हो, जितने भी स्टॉप हो, तो कमी रहेगा, इस पे ज्यादा नजर रहनी चाहिए हमारे डीसी साहब। और जहां तक मैं सोच रहा हूँ कि रेड क्रॉस की आजकल हम ये फंड से देख रहे हैं, जब से ये डीसी साहब हमारे यहाँ पे आए हैं तो इनके टाइम पे रेड क्रॉस की बहुत सारे लोगों को सुविधा और मदद मिली है, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते दलीप जी, जिन्होंने अपनी बात जो रखी। और अक्सर मैं भी एक ही बात करता हूँ कि पार्डर में अगर मैं मूलभूत सुविधाओं की बात करूँ तो उन पर आज बात करने के लिए कोई भी लोकल लीडरशिप जो है तैयार नहीं है, क्योंकि लोकल लेवल पर जो है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पंचायती राज को सशक्तिकरण का जो सपना था वो इसीलिए था कि ताकि आपका लोकल लीडर होगा और लोकल लेवल पर लोकल लोगों की बात करेगा, लेकिन आज वो आपको कहीं ना कहीं जमीन सतह पर देखने को नहीं मिलेगी। आपकी क्या राय है कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल अभी आपसे विदा लेना चाहेंगे, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।